सो यहाँ पे एक लड़की है, वो बोल रही है कि जैसे ही बस आएगी हम उस पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो प्लानिंग कर रही है कि बहुत जल्दी में जाना है इसको कहीं पे, तो जैसे ही बस आएगी हम चढ़ जाएंगे। एज सून एज द बस अराइव वी विल बोर्ड इट, ठीक है, कि जैसे ही बस आएगी यहाँ पे रुकेगी हम तुरंत ही चढ़ जाएंगे, ठीक है। एज सून एज द बस अराइव वी विल बोर्ड इट, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए उसमें हम जैसे ही आएगी तुरंत चढ़ जाएंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वंस द बस अराइव, वंस द बस अराइव वी विल गेट ऑन राइट अवे, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात होती है। बस में चढ़ते ही हम टिकट लेंगे जो कि 50 रुपये का है, ठीक है। आगे वो बता रही है अपने फ्रेंड को कि आगे बस में चढ़ने के बाद क्या करेंगे, टिकट लेंगे जो कि है 50 रुपये का। एज सून एज वी बोर्ड द बस, एज सून एज वी बोर्ड द बस वी विल परचेज अ टिकट विच विल कॉस्ट 50 रुपीज़। कितना कॉस्ट है, 50 रुपीज़। एज एज सून एज वी बोर्ड द बस वी विल परचेज अ टिकट विच विल कॉस्ट 50 रुपीज़, कि हम बस में चढ़ेंगे और टिकट लेंगे जिसका वैल्यू है 50 रुपीज़। या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं, वंस वी गेट ऑन द बस वी विल बाय अ टिकट एंड इट विल बी 50 रुपीज़। ओके, याद रहे हमें जो ही बस पकड़नी है वो दिल्ली जाती हो, हमको कौन सी बस पकड़नी है जो दिल्ली जाती हो। रिमेंबर, याद रहे, रिमेंबर वी नीड टू कैच द बस दैट गोज़ टू दिल्ली, दैट गोज टू दिल्ली। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि कीप इन माइंड, यानी याद रहे, एक ही बात है। वी हैव टू बोर्ड द बस हेडेड टू दिल्ली, हेडेड टू दिल्ली, ठीक है। कीप इन माइंड मतलब अपने माइंड में रखना, याद रखना। उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली पहुंचकर हम सबसे पहले लाल किला घूमने जाएंगे, उसके बाद प्लानिंग करती है कि हम कहाँ जाएंगे, लाल किला। अपॉन रीचिंग दिल्ली वी विल फर्स्ट विजिट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला। फर्स्ट विजिट कहाँ करेंगे, पहली बार कहाँ जाएंगे घूमने, लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक है। अपॉन रीचिंग, जैसे ही हम पहुँचेंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, अपॉन रीचिंग दिल्ली वी विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग, वी विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग द रेड फोर्ट फर्स्ट। कहाँ से शुरू करेंगे हम घूमना, कहाँ से एक्सप्लोर करना चालू करेंगे, लाल किला से। जैसे हम दिल्ली पहुँचेंगे, रीचिंग दिल्ली वी विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग लाल किला। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है सबको पता है, आई थिंक। द रेड फोर्ट इज़ लोकेट इन ओल्ड दिल्ली, ठीक है। लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। इसको और दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इन ओल्ड दिल्ली यू विल फाइंड द रेड फोर्ट, यू इन ओल्ड दिल्ली यू विल फाइंड द रेड फोर्ट, कि ओल्ड दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में ही आपको लाल किला मिलेगा, या फिर लाल किला वहाँ पर स्थित है पुराने दिल्ली में। ओके, आगे क्या बोलती हुए कि पुरानी दिल्ली में कुछ ऐसे मशहूर मंदिर हैं, हम वहाँ भी चलेंगे। इन ओल्ड दिल्ली देयर आर ऑल्सो सम फेमस टेम्पल्स वी विल विजिट देयर एज वेल, ठीक है। मशहूर मतलब होता है फेमस, कि ओल्ड दिल्ली में मशहूर टेम्पल हैं, ठीक है। ओल्ड दिल्ली हैज़ अ फ्यू रेनोवेट टेम्पल एज वेल एंड वी विल एक्सप्लोर देम टू, पुरानी दिल्ली में कुछ मशहूर मंदिर हैं, हम वहाँ भी चलेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं, दोनों ही राइट है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कह सकते हैं। पुरानी दिल्ली का खाना भी बहुत मशहूर है। आगे वो बताती है कि पुरानी दिल्ली का जो खाना है बहुत मशहूर है। द रेड फोर्ट इज़ ओल्ड दिल्ली इज ऑल्सो वेरी फेमस, द फूड इन ओल्ड दिल्ली इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, कि पुरानी दिल्ली का खाना भी बहुत फेमस है। पुरानी दिल्ली का खाना बहुत मशहूर है, इसको और दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ओल्ड दिल्ली इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स डिलीशियस फूड, डिलीशियस। मैं दिल्ली जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू दिल्ली, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू दिल्ली।